हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं अस्सी घाट। वैसे तो 5 बजे मॉर्निंग में होती है आरती और अभी बज रहे हैं 5:30। उजेला होने लगा है धीरे धीरे, देखिए आप। तो चलते हैं अस्सी घाट, दिखाते हैं अस्सी घाट पे क्या है ऐसा। ओके, फॉलो। दोस्तों, अस्सी घाट को वाराणसी का दिल भी कहा जाता है। बोला जाता है कि वाराणसी का जो दिल है वो अस्सी घाट है। और यहाँ पे टूरिस्ट तो आते ही हैं, टूरिस्ट तो हर जगह आते हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाओ। बट लोकल के लोग, आप देख सकते हो, लोकल के लोग भी यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम, मतलब सनराइज और सनसेट के टाइम्स लोग यहाँ पे देखने आते हैं। जो आसपास के लोग हैं वो इंटेंशनली घर से निकलते हैं, अस्सी घाट पहुँचते हैं और यहाँ का इस व्यू का आनंद उठाते हैं। और दोस्तों, अस्सी घाट के नाम के बारे में अगर बात की जाए तो अस्सी घाट का नाम अस्सी इसलिए पड़ा क्योंकि ये गंगा नदी और अस्सी नदी के संगम के पास बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम अस्सी घाट पड़ा है। और अगर इसकी आकृति की बात की जाए, शेप की बात करें, तो ये हाफ मून अर्ध चंद्राकार आकृति में है। दोस्तों, अगर वाराणसी के अस्सी घाट की बात की जाए तो ये प्राचीन और प्रमुख घाटों में से एक है। और यहाँ हर दिन सुबह 5 बजे गंगा आरती होती है, फिर यहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम कराया जाता है, उसके बाद योगा कराया जाता है। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे तो गंगा आरती तो अटेंड नहीं कर पाए। तो म्यूज़िकल प्रोग्राम शायद चल रहा था जब हम पहुँचे, बट हम घाट के दूसरी तरफ थे, हम दूसरे वीडियोज़ कैप्चर कर रहे थे जो आप देख रहे हो अभी। करेंटली जो वीडियो चल रहा है हम इस तरफ थे और योगा जो होता है वो दूसरे साइड में होता है, थोड़ी दूर पे ही है बट थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो वहाँ पे हम बाद में गए तो म्यूज़िक वगैरह बंद हो गया था और योगा वगैरह स्टार्ट हो गया था। और योगा भी शायद लोकल के लोग ज़्यादा थे वहाँ पे, टूरिस्ट तो मुझे कम ही लग रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि लोकल के लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट तो आते ही हैं, लोकल के लोग भी यहाँ आते हैं क्योंकि नज़ारा यहाँ का इतना प्यारा है, सुंदर सुंदर सा वातावरण सुबह सुबह का, पीसफुल, शांतिपूर्ण। तो मतलब एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। और दोस्तों, ये जो नज़ारा देख रहे हो ना, बस इसी नज़ारे ने मुझे यहाँ पे खींचा है, समझ लीजिए। दोस्तों, अस्सी घाट के नाम के पीछे एक और थ्योरी है जिसमें बोला जाता है कि देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षसों का वध करके अपनी तलवार अस्सी नदी में फेंकी थी, इसलिए इस घाट को अस्सी घाट कहा जाता है। एक छोटा सा मंदिर है, लोग पूजा करके परिक्रमा करते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, जो हमने कुछ देर पहले योगा की बात बोली थी, योगा और म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है वो यहीं पे होता है। ये देखिए, यहाँ पे योग गुरु हैं, योगा करा रहे हैं और यहीं पे म्यूज़िकल प्रोग्राम भी होता है सुबह सुबह। और इसके पास से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, लोग यहाँ बैठते हैं सुबह सुबह आके, कुछ लोग योगा कर रहे हैं साइड में और कुछ लोग अपना अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। और अगर ये व्लॉग पसंद आया आपको तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग्स की भी नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहे। और बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत तेज़ से भूख लगी है तो जा रहे हैं हम और अविरल भाई चाय पीने। बाय बाय।